नगर आयुक्त 129 मलिन बस्तियों के करीब 40,000 मकानों से हाउस टैक्स वसूला जाएगा, जिससे नगर निगम को करीब 2 करोड़ से अधिक राजस्व मिलेगा। नगर आयुक्त ने बताया कि पिछली सरकार को भी उन्होंने मलिन बस्ती पर हाउस टैक्स लगाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया था। हाउस टैक्स वसूली को लेकर फॉर्म भी बांटे जा चुके हैं और जल्द ही कैंप लगाकर टैक्स वसूला जाएगा। जितने भी मलिन बस्तियां नगर निगम देहरादून क्षेत्र के अंतर्गत हैं, उन सभी का हम लोगों ने अभी सर्वे का कार्य शुरू किया है। सर्वे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी से हम लोग हाउस टैक्स जमा करवाएं। इसमें लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपया हमको टैक्स के माध्यम से उपलब्ध होने की संभावना है। इसमें कुछ टेक्निकली हम लोग सर्वे करके ये तय कर रहे हैं कि कौन से अभिलेख उनसे लिए जाएंगे, कौन सा एफिडेविट उनसे भरवाना हमारे लिए आवश्यक रहेगा, और उसी के बाद हम लोग इसका कार्य शुरू करेंगे। पूर्व में हम लोगों ने अभिलेख उन सभी से मांगे थे, बट अभिलेखों में एकरूपता नहीं होने की वजह से दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी। साथ में उनके पास में कुछ अभिलेख ऐसे थे कि जो अभिलेख उपलब्ध भी नहीं थे, तो उसके पश्चात भी वो टैक्स जमा करना चाह रहे थे, उसमें दुविधा का स्थिति उत्पन्न हो रहा था। उसको देखते हुए, सभी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए, हम लोगों ने एक समान प्रारूप के ऊपर कार्य किया है, जिसमें सभी नगर निगमों में एक समान प्रारूप रहेगा, एक समान प्रारूप का शपथ पत्र रहेगा, और उसके पश्चात ही उनसे टैक्स लिया जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून।